रिलीज होने के मौके पर, तो आप क्या कुछ फीलिंग है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में? खुश हूँ, नर्वस हूँ, एक्साइटेड हूँ, डरा हुआ हूँ, आई थिंक बहुत सारी मिक्स्ड इमोशंस है। आई थिंक बहुत मेहनत की हमने, एक साल से ये फिल्म बनाई है और बहुत डिफिकल्ट है वो थिन लाइन पे चलना, जहाँ एक आप कमर्शियल एंटरटेनर बनाते हो लेकिन उसमें आप मराठी का जो कंटेंट है, उसकी जो वैल्यूज़ है, उसको आप टच नहीं करते, उसको बरकरार रखते हो, तो बहुत मुश्किल था हमारी पूरी टीम के लिए करना, और हमने पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश की है। आई जस्ट होप आप सबको ये फिल्म बहुत पसंद आए। यार दुश्मन पे भी ऐसा टाइम नहीं आया कि किसी को किसी के लिए भिखारी बनना पड़े, लेकिन बहुत बहुत एंजॉय किया यार मैंने, अलग तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस किया, अलग तरह के इमोशंस को जिया ऑलमोस्ट 40 दिन, एंड आई थिंक इस पिक्चर ने बहुत कुछ सिखाया मुझे, सिर्फ एज एक्टर नहीं बल्कि बतौर एक इंसान भी। बहुत मज़ा आया, बहुत अलग एक्सपीरियंस था। कैसी जर्नी थी, कितनी इमोशनल जर्नी रही आपके लिए? बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा, बिकॉज रोज़ आई विल कम, बहुत ज़्यादा इमोशनल, क्योंकि भेष बदल के पूना में शूट करते थे, गोरिल्ला शूट करते थे, और एक्चुअली भीख मांगी है मैंने 15-20 दिन, तो किसी ने झापड़ भी लगाई है, किसी ने गाली भी दी है, किसी ने ताने भी मारे हैं, और किसी ने सामने से बुला के खाना भी खिलाया है, तो आई थिंक बहुत सारे इमोशंस को ऐसा टच किया जिनको पहले कभी महसूस नहीं किया था। बहुत मज़ा आया, ऐसा कभी मैंने ज़िंदगी में पहले कुछ नहीं किया, बहुत एक्साइटेड हूँ। सी ये फिल्म जो है ये माँ बेटे की कहानी है, और हमको ऐसा लगा कि फिल्म के प्रीमियर्स होते हैं, फिल्म के शोज़ होते हैं, आप सारे दोस्त आते हैं, हम आते हैं, लेकिन ना आज सेलिब्रिटीज़ हम नहीं हैं, आज सेलिब्रिटीज़ आप भी नहीं हैं, आज सेलिब्रिटीज़ हम सबकी मम्मीज़ हैं, हमारी माएँ सेलिब्रिटीज़ हैं, तो हमने पूरी टीम से रिक्वेस्ट की थी, गुजारिश की थी कि आप अपनी मम्मी को लेके आइए और मम्मी के साथ आप रेड कार्पेट वॉक कीजिए, और बहुत आई थिंक बहुत इमोशनल मोमेंट है हम सबके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये पिक्चर जो है ये आई थिंक हमारा ट्रिब्यूट है सारी माओं के लिए, तो इट इज़ ओनली लॉजिकल दैट ऑल द मदर्स वॉक द रेड कार्पेट। सुनील जी एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से ये कि यार मुझे उनके लिए मैसेज सिर्फ इतना है कि आइए पिक्चर देखिए एंड घर जाके माँ को एक जोर की झप्पी दीजिए एंड जोर से उसे आई लव यू कहिए। मेरी माँ है, मेरी माँ है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि फिल्म का प्रमोशन हो, बट एक्चुअली मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एंड फ्रेंडशिप डे पे मैं सोचता हूँ कि आप हमेशा दोस्तों के साथ पिक्चर देखते हैं या कॉफ़ी पीने जाते हैं, तो इस फ्रेंडशिप डे पे अपनी माँ को ले जाइए और ये पिक्चर दिखाइए। बहुत सारे हैं यार, एक का नाम लेना बहुत मुश्किल है। खूप आभार प्रत्येकाचे, सगळ्यांची नावं घेणं शक्य नाही, पण अनेक मित्रमंडळी, अनेक लोक इथे उपस्थित आहेत, त्या प्रत्येकाचे आभार, आणि खूप भारी वाटतं जेव्हा आपले सगळे मित्र वगैरे आपल्याला येऊन पिक्चरला सेलिब्रेट करतात, कॉन्ग्रॅच्युलेट करतात, आणि खूप साऱ्या आया आल्या तिथे, सगळ्या टेक्निशियन्सच्या त्यांच्या आया आल्यात, ॲक्टर्सच्या आया आल्यात, ॲक्ट्रेसेसच्या आया आल्यात, खूप मस्त वाटतं, असं वाटतं कुठलं तरी एक छानसा घरगुती समारंभ आहे, आणि तो ओलावा इकडे आहे, आणि तो इमोशन है, कोई माँ रो रही है पहली बार रेड कारपेट पे वॉक कर रही है, कोई माँ खुश है, कोई माँ डर रही है, तो ये इमोशन कहाँ देखने को मिलेगा, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल अपील करना चाहूँगा, बहुत मुश्किल हालात है कई जगहों पर, एंड हमसे जो बन पाए हमें करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मदद छोटी या बड़ी नहीं होती, मदद मदद होती है। योगेश भाई ने आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है कि 50 से ज़्यादा होल्डिंग लगी है ऑल ओवर महाराष्ट्र, एंड योगेश भाई इज ऑलवेज हेल्पिंग अस। योगेश भाई थैंक यू सो मच यार, ये भिखारी को आपने अमीर कर दिया। एक गिनीज बुक का रिकॉर्ड है, पहली बार मराठी पिक्चर में इतनी होल्डिंग लगी, क्या बात है, थैंक यू सो मच भाई, बड़े पिक्चर है इसलिए आपके, थैंक यू सो मच, तो पूरा माहौल ब्राइट हो जाता है। गॉड ब्लेस यू योगेश भाई, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी है, एक एक प्रोजेक्ट पे आप काम करना शुरू करते हो, धीरे धीरे फ्लरिश होता है और वो इतना बड़ा हो जाता है और इतना खूबसूरत बनता है। इट्स अ जर्नी विच आई हैव एंजॉयड, आई विल चेरिश इट फॉरएवर।
जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे जो कोस्टार है वो स्वप्निल जोशी है, हु इज़ अ सुपर स्टार इन मराठी एंड एट द सेम टाइम इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन. तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने मिला. गणेश आचार्य जी जिन्होंने डायरेक्ट किया है, जो लिटरली सीन कोरियोग्राफ करते हैं, और उनके साथ जितने मतलब सारे जो एक मिनट तुम्हें ओके तो पूछ ले. हाँ, तो एक्सपीरियंस अमेजिंग रहा. अमेजिंग सीनियर टीम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. क्या मैं ये बोला था, कितना इमोशनल रहा आपके लिए जर्नी, या तो सपने ने बोला कि उनके लिए बहुत इमोशनल था, उन्होंने बहुत कुछ सीखा, तो आपने क्या क्या सीखा? एक्चुअली मेरे किरदार का नाम है मधु, और जो शुरुआत में बहुत चुलबुली सी लड़की है, और धीरे धीरे उसका ट्रांजिशन होता है, जो स्वप्निल के कैरेक्टर का ट्रांजिशन है उसके साथ उसका जो ट्रांजिशन होता है वो होता है. देर आर सर्टन वेरी इंटेंस सीन्स जो कहीं ना कहीं बहुत हिला देते हैं. सो ऑब्वियसली एज अ पर्सन मधु में कहीं ना कहीं रुचा मिलती थी, और रुचा में कहीं ना कहीं मधु मिलती, तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इमोशनली एंकरिंग एक्सपीरियंस था. स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना विकारी उद्यापासून येतोय तुमच्या दारी. प्लीज वॉच एंड आई एम श्योर यू विल लव द फिल्म. जाती नहीं है. हाँ, थैंक यू सो मच आई कि आप और इनका एक हाथ ठीक नहीं फिर भी आई है फिल्म को आशीर्वाद देने के लिए. और पैर पूरा एक्साइटेड. और मैं ये बात बताता हूँ, योगेश भाई ने मराठी में सबसे बड़ा हिस्ट्री नचा है. इन्होंने आज पूरे बॉम्बे में होर्डिंग भरी हुई, यही बता देता हूँ, महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में. आप अभी यहाँ पे देखो, ये जो लगा हुआ है मेला, ये मराठी फिल्म का तो लग नहीं रहा है, लेकिन बहुत प्यार मिल रहा है. हम लोगों ने कुछ सोचा था कि कुछ थिएटर में फिल्म रिलीज होगी, लेकिन 275 के ऊपर थिएटर में रिलीज़ हो रही है, बड़ी ओपनिंग रिलीज़ होगी. आप लोग का आशीर्वाद चाहिए. आप लोग जाके देखिए कि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने रेड कारपेट में मदर लोग को बुलाया है. रेड कारपेट हमेशा स्टार्स लोग के लिए होता है, लेकिन ये दिस रेड कारपेट ओनली मदर्स. तो योगेश भाई की मम्मी आई, मेरी मम्मी आई, स्वप्निल की मम्मी आ रही, सबकी मम्मी आई है, और आशीर्वाद देने इस फिल्म भिखारी को. स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिखारी मराठी में. उसका मार्केट अलग है, हम लोग का मार्केट अलग है. बेसिकली हम लोग तो महाराष्ट्र फिल्म मराठी फिल्म का बैड है, तो यही उम्मीद है कि फिल्म को अच्छा सपोर्ट मिले. वो हैरी मेट सेजल अलग इसकी फिल्म है, हम लोग की अलग फिल्म है, हम लोग की मराठी फिल्म है, तो लेकिन कोशिश की है कि पूरी हम लोग फिल्म को अच्छा करें. अभी आज फर्स्ट डे है फिल्म का, ट्रेलर देखा है. बॉलीवुड के जितने मेरे दोस्त लोग हैं, वरुण हो, रणबीर हो, अजय देवगन हो, परिणीति हो, जैकलिन हो, आलिया हो, अमित जी हो, टाइगर हो, सबने बहुत सपोर्ट किया फिल्म को. ऐसे ही मेरे पे हाथ रखिए, आशीर्वाद रखिए, और मैं चाहूँगा कि आप लोग के प्यार की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और हमेशा आपका प्यार बना रहे. और थोड़ा सा वेट लॉस होने दीजिए, बहुत जल्दी लीक कर दिया आप लोगों ने, और 20 किलो निकालना है. उसके बाद मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कि क्या वेट लॉस का आइडिया है. स्विमिंग है, जिमिंग है, डाइटिंग है, बहुत सारी मेहनत है. मेरे फैमिली का प्यार है, मेरी माँ का, मेरी वाइफ का. थैंक यू. एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये फिल्म देखने के लिए, क्योंकि मास्टर जी के साथ मेरी पहली जो फिल्म थी एज डायरेक्टर, उन्होंने उसमें कोरियोग्राफ किया था, और स्वप्निल और मैं कॉलेज में साथ थे, तो डबल खुशी है इसलिए. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द फिल्म. पोस्टर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, ट्रेलर बहुत अच्छा था. आई थिंक हम सबको स्वप्निल एक नए अवतार में देखेगा इस फिल्म में. तो स्वप्निल की परफॉर्मेंस के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस फिल्म में वो एक नए अवतार में दिखने वाले हैं, और आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि उन्होंने क्या अलग और किस शेड्स में इस कैरेक्टर को निभाया है.
मैं पूरी टीम, भिकारी की पूरी टीम को बहुत 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 शुभेच्छा देना चाहती हूँ और आई होप दैट विद दिस फिल्म दे टेक द इंडस्ट्री फॉरवर्ड। जी सॉरी, एक्चुअली अभी हाल ही में हमारी एक रिलीज़ थी फिल्म रिंगन, जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला है और इसके आगे हम एक और फिल्म कर रहे हैं जो फिल्म फेस्टिवल्स में जाएगी और होपफुली ईयर एंड तक हमारी तीसरी फिल्म फ्लोर पे जाएगी। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ कहना चाहूँगी ये सिर्फ नाम सिर्फ भिखारी नहीं है, है राजा तीन ही जगह से, मतलब तीनों जगत के जितने भी राजा हैं वो सिर्फ माँ के बिना भिखारी है, भिखारी है लेकिन माँ के बिना भिखारी है। अलग कॉन्सेप्ट है, मैं भिखारी फिल्म का नाम है, अलग दिखाई दे रहा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? ट्रेलर कैसा लगा आपको? ट्रेलर बहुत अच्छा है, लंदन में शूटिंग है, काफ़ी जगह पे है, बड़ी बड़े सॉन्ग्स हैं, इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग। और नाम भिखारी इसलिए है कि जो बंदा है स्वप्निल जोशी जिसने रोल प्ले किया है, वो जब लास्ट में अपनी माँ के बिना भिखारी बन जाता है, हम लोग सब लोग जैसे अपने माँ के बिना सच में भिखारी हैं, मम्मी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले चोट लगती है तो याद आती है मम्मी, माँ है तो माँ है। काफ़ी फ्लड आया है आसाम और रात में, कुछ अपील करना चाहिए आप अपने फैंस के? अपील सिर्फ ये करूँगी, डोनेशन तो ठीक है लेकिन मोरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उनको जितनी जिस तरह हो सके उस तरह सपोर्ट कीजिए, जैसे किसी के डॉक्यूमेंट्स कुछ रिट्रीव करने हैं उसमें जल्दी से मदद कीजिए, कई बार क्या होता है पासपोर्ट वगैरह में बहुत दिक्कत आती है उसके बाद, उसके लिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें तो पहुँच ही जाती हैं, कपड़े हैं, मेडिसिन हैं, खाना पीना सब पहुँच जाता है, लेकिन जब उनके जो एक्चुअल आइडेंटिटी कार्ड के डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिसप्लेस हो जाते हैं, वो दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू रिट्रीव। थैंक यू। थैंक यू।